डेस्टिनेशन प्लेस पर जहाँ हमें आना है, यहीं पर हमें आना है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपना खूब ध्यान रख रहे होंगे। आज हम आए हैं एक शादी में और पहुंच चुके हैं हम अपनी डेस्टिनेशन पर। यहीं पर शादी है, ये उन्हीं भैया की शादी है जिनकी कुछ दिन पहले जिनकी हम इंगेजमेंट में गए थे। और यहाँ पर आके हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत दिन से मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी क्योंकि मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, थोड़ी आशी की भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए मैं ब्लॉगिंग नहीं बना रही थी। फिर आज हमें शादी में आना था तो मैंने सोचा चलो ठीक है, यहीं से स्टार्ट करते हैं बनाना। यहाँ पर आके बस थोड़ा सा नाश्ता वास्ता किया, खाया पिया, उसके बाद में फ्रेंड सर्कल से मिले, सारे पुराने लोगों से मिले, अपने फ्रेंड्स से पार्टीज़ में आके, और खूब मस्ती की आज मैंने इस पार्टी में। मतलब काफ़ी दिन से जो ब्लॉगिंग नहीं बना पा रही थी उसके बाद में आके आज ब्लॉगिंग की, बहुत दिनों के बाद अच्छा लगा। तो आज आप पूरा ब्लॉग देखिएगा, आपको जरूर अच्छा लगेगा। और ये देखिएगा, यहाँ पर मैं और मेरी फ्रेंड्स बैठ के नाश्ता कर रहे थे और नाश्ता हम बहुत टेस्टी था। हमने नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद में हमने बहुत सारे फोटो शूट किया, डांस वांस किया, बहुत अच्छा लगा आज की पार्टी में। और पार्टी में आए और खाने की बात ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इसलिए मैंने छोटी सी क्लिप खाने की ली। और खाने में एक्चुअल में काफ़ी सारी वेराइटीज़ थी यार, बहुत अच्छा अरेंजमेंट था। जो भी मतलब जिनकी हम लास्ट एंगेजमेंट पार्टी में आए थे उन्हीं की आज शादी में आए थे, तो वाकई में अरेंजमेंट बहुत अच्छे किए थे। उसके बाद में फिर डांस हुआ सारा डांस वांस मस्ती वस्ती के बाद हमने देखा कि बारात आ चुकी है और ये हो रहा है बारात का वेलकम। ये हैं दूल्हे और इन दूल्हे का वेलकम किया जा रहा है लड़की की बुआओं के द्वारा, और इनको बस वही सब जो शगुन वगैरह हो सकता है वो सब रीति रिवाज चल रहे हैं। यहाँ पे दूल्हे का वेलकम किया जा रहा है और पूरी वीडियो देखिएगा आप एंड तक। ये हैं दूल्हे राजा और एंड में आप देखेंगे मैंने इसमें दुल्हन भी दिखाई है और उनको भी देखिएगा, वो भी बहुत ही प्यारी लग रही थी। और ये देखिए यहाँ पे कुछ चल रहा है रसम कि जिसमें बुआ कुछ नेक मांगती है, तो वही मस्ती चल रही थी और इस टाइप से बाहर को वेलकम हो रहा था। मैं छोड़ के आ गई अंदर और मैं एक बार आपको पूरा वेन्यू दिखा देती हूँ, कितना बड़ा और कितना अच्छा वेन्यू है। बहुत अच्छे अरेंजमेंट हुए थे लड़की वालों के द्वारा। और ये देखिए डीजे पे डांस वांस चल रहा था, इधर देखिए सब लोग अपना सेल्फी इस टाइप से कुछ आजकल लेटेस्ट स्टाइल में चल रहा है वो सब वीडियो बनवा रहे थे अपनी। और ये है स्टेज, यार स्टेज बहुत अच्छा लगा मेरे को, काफ़ी बड़ा और काफ़ी यूनिक डिज़ाइन का स्टेज सजाया था जहाँ पे दूल्हा दुल्हन बैठने वाले हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और बस इस टाइप से बहुत मस्ती की, बहुत हाँ बिल्कुल, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बहुत प्यारी लग रही है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है, बहुत प्यारी। एंगेजमेंट में भी बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी और आज और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो।
at speed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's. डांस और मस्ती के बाद में ये मैं लेके आ गई थी डिनर, क्योंकि लग गई थी बहुत तेज से भूख। फिर हम लोगों ने, मैंने और आशी के पापा ने इसी में से अपना डिनर किया। उसके बाद में फिर यहाँ पे देखिए डिस्कशन चल रहा है कि अभी घर जाना है कि रुकना है। सब लोग फ्रेंड सारे बातें कर रहे हैं, खूब हंसी मजाक चल रहा है, खूब मस्ती चल रही है। एक्चुअल में यार पार्टी में बहुत मजा आया क्योंकि सारे फ्रेंड्स मिले। इसलिए ये देखिए ये हो रहा है, दूल्हे का तिलक हो रहा है, बारात आ चुकी है, तो ये दूल्हे का तिलक वाली रस्म चल रही है। इसके बाद में जयमाला होगी और जयमाला में लगभग अभी एक डेढ़ घंटा लग जाएगा आराम से। और ठंड काफ़ी हो चुकी थी, लेट नाइट भी हो चुका था और इसलिए आशी की थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो इसलिए हम लोग यहाँ ज़्यादा रुके नहीं। इसके बाद में हम लोग अपने घर को चले गए थे। बस ये रहा मेरा पूरा ब्लॉग। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कॉमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरी मुझे सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। और मेरी वीडियो को पूरी देखिएगा एंड तक। बाय बाय।